बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक रिव्यू एक्सरसाइज 18 में आपको करवा रही हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर 8 आज की वीडियो में हम करेंगे। बाकी तमाम क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। जो भी क्वेश्चंस आपको जो है वो देखने हैं तो लिंक आपको उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई एंड इन्वर्सली एज जेड। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि एक्स वेरी कर रहा है डायरेक्टली वाई के साथ मगर इन्वर्सली कर रहा है जेड के साथ। इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 30, वाई इज इक्वल्स टू 15 एंड जेड इज इक्वल्स टू 2, तो आपने के को फाइंड आउट करना होगा जो कि कॉन्स्टेंट है। फाइंड एक्स, अब आपने एक्स फाइंड आउट करना होगा इफ़ वाई इज इक्वल्स टू 30 एंड जेड इज इक्वल्स टू 12। करना उसी तरह से है क्वेश्चन, बस यहाँ पर जो है वो आपको तीन वेरिएबल्स दे दिए गए हैं। हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्स वेरी कर रहा है डायरेक्टली वाई के साथ और इन्वर्सली कर रहा है जेड के साथ। तो डायरेक्टली कर रहा है सामने आ जाएगा बिल्कुल, और इन्वर्सली कर रहा है तो अपॉन में आ गया। ठीक है, अब आपने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया, इक्वल की साइन, के कांस्टेंट, वाई अपॉन जेड, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने के को करना है फाइंड आउट। के को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 30, वाई इज इक्वल्स टू 15 एंड जेड इज इक्वल्स टू 2। पुट कर लें एक्स की जगह 30 के एज इट इज़, वाई की जगह 15, जेड की जगह 2। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। 15 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आकर डिवाइड करेगा इक्वल्स टू के, तो के कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास। 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 2 टू ज़ा 4, तो के की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से 4। अब के को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इट इन इक्वेजन 1। इक्वेजन 1 में पुट करें के को, तो एक्स इज इक्वल्स टू 4 वाई अपॉन जेड, ये आ गई इक्वेजन नंबर 2। अब आपको जो आगे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, आपसे कह रहे हैं फाइंड एक्स, आपने क्या करना है फाइंड एक्स, y इज इक्वल्स टू 30 एंड z इज इक्वल्स टू 12। y 30 है, z 12 है, आपने क्या फाइंड आउट करना है x, तो पुट इट इन इक्वेजन 2। इक्वेजन 2 में पुट करेंगे, इक्वेजन 2 क्या है आपके पास, तो है x इज इक्वल्स टू 4y अपॉन z, तो x इज इक्वल्स टू 4y की जगह 30 और z की जगह 12। 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, 3 वन ज़ा 3, 3 टेन ज़ा 30, तो x आ गया आपके पास यहाँ से 10। सिंपल, इस तरह से हमने करना है। अगर हमें तीन वेरिएबल्स भी दे दिए जाएं तो कोई मसला नहीं, आपने बस क्वेश्चन में यहाँ पर जो बनानी है, जो कि आपको दिया गया है, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनानी है। ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई करना है। ये था आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।